अस्सलाम वालेकुम नाजरी। गोली और बारूद से इंसानों को मारना दहशतगर्दी, जबकि भूख प्यास और बेरोजगारी से मारना जमहूरियत कहलाता है। मुश्किल वक्त एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। मोहब्बत और इज्जत के लिए बेशक झुक जाए, मगर मोहब्बत और इज्जत किसी से झुक कर ना मांगे। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत व हमदर्दी का दिखावा करना है। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वह अपने लिए चाहता है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, ये कहकर न जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। और फिर ये सच है कि यादों को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता। जरा जरा सी बात, तकलीफ और आजमाइश पर मौत मांगने वाले क्या मगफिरत के आमाल है आपके पास? अभी तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। सबसे भारी नुकसान ये है कि लोग आपको ऐसा इंसान बना दे जो दोबारा किसी पर एतमाद और मोहब्बत करने को तैयार ही ना हो। बात तो किरदार की होती है साहब, वरना कदम तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। मुजरिम दरअसल वो शख्स है जो महंगे वकीलों को खरीदने की ताकत नहीं रखता। अजीब किस्सा है जिंदगी का, अजनबी हाल पूछ रहे हैं और अपनों को खबर तक नहीं। मैंने अपनों के रवैयों से ये महसूस किया है, दिल के आंगन में भी दीवार उठा दी जाती है। हर ताल्लुक, हर रिश्ता एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वह कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। पर्दा अल्लाह ताला की ऐसी नेमत उस्मा है कि उससे सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान खूबसूरत और महफूज नजर आता है। बेहतरीन मर्द वो है जो गुस्से में भी औरत से बात करने का तमीज न भूले। अखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अक्सर अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। लोगों को इज्जत उसके औकात के मुताबिक दें, क्योंकि कुछ लोग इज्जत का वजन नहीं उठा सकते। गलतियों को दरगुजर करना सीखें, मोहब्बत की कदर करें। वह इंसान ही ना रहा तो गलतियों को याद रखकर क्या करेंगे। कभी हम पर ऐसा भी वक्त आता है हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए और किधर जाना चाहिए। हम चौराहे में खड़े होते हुए भी ये तक नहीं जान पाते कि हमारी सिमत कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी बातें पहुंचाने का लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें।